सर मैंने स्टेयरिंग संभाल रखा है, गाड़ी ऑफ है, RPM नहीं दिख रहा है, आपको देख सकते हैं, और ये गाड़ी अपने आप आगे जा रही है। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। सो कल हुआ यूँ कि हमारी गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई, और जिसकी वजह से करीब हमारे को 1.5 घंटे का लेट हो गया उसको गाड़ी को ठीक कराने में। इंजन के नीचे जो प्लेट लगी होती है वो एक साइड से निकल गई, फिर बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके उसको सही करा, और हम 6 बजे करीब कारगिल वॉर मेमोरियल पहुँचे, घूमे। कारगिल वॉर मेमोरियल आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा। अभी जल्दी से रेडी होते हैं, बाहर निकलते हैं और अपना लेह का रास्ता तय करते हैं, क्योंकि लेह में और बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। प्लान ये है कि अब हम यहाँ से चेकआउट करके और लेह के लिए निकलेंगे। समय हो रहा है सुबह तकरीबन 7:45। प्लान ये था कि 6 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पानी की समस्या की वजह से हम निकल नहीं पाए। आगे का पानी का हाल हमारे दो ये भाई जो हमारे साथ जर्नी कर रहे हैं बताएंगे। सो बताएं रोहित जी, yes, पानी क्या समस्या थी? पानी इज लुकिंग लाइक फ्रीजिंग, फ्रोजन था, पिघला के बनाया हुआ है शायद। अरे जी, पानी पानी था ही नहीं पहले तो बाथरूम में, और जब आया तो इतना ठंडा आया कि हमारा मूड चेंज हो गया। सो 2 घंटे इस होटल में जद्दोजहद चलती रही कि पानी कब आएगा, पानी कब आएगा। मैंने मेरे भाइयों से बोला, भैया चल लो यहाँ घूमने आए हैं, नहाने नहीं, लेकिन ये नहाने आए बिना जाना नहीं चाह रहे थे। सो फाइनली आप दोनों नहा ली भाई हो? बिल्कुल नहा ली। पानी इतना ठंडा ना, गीजर चल रहा था, दूसरे रूम में जाके इन्होंने जो भी कुछ नित्य क्रियाएं करनी हो वो करी है, अब नहाए नहीं, कोई नहीं नहाया इनमें से, न मैं नहाया ना नहीं ये नहाए, हाँ ये नहाए तो ये लग रहे। वही मैं इनसे कह रहा था कि नहा के बिना भी चलोगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, तुम अच्छे घर के साफ सुथरे अच्छे दिखने वाले लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये माने ही नहीं। चलो एनी वेज, सो फास्ट सो गुड, हम निकल रहे हैं, और ये होटल है PC पैलेस और कारगिल मेन मार्केट में। I would definitely not recommend this hotel to anyone because pathetic service, pathetic staff, और अगर आप आएँ तो अपनी रिस्क पे आइएगा, ना यहाँ पे आपको पानी मिलेगा ना यहाँ पे आपको चाय मिलेगी, बाकी सब आपके हाथ में है। सो स्टे ट्यून, आगे का दिखाते हैं आपको। सो जयपुर से अब तक 1316 किलोमीटर हम चल चुके हैं अप टू कारगिल, फ्रॉम जयपुर टू कारगिल वाया कश्मीर। कारगिल के बाद हमारा फर्स्ट हॉल्ट है, एक चाय की शॉप पर रुके हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट करे बिना चले थे। अभी तक हमने तकरीबन 45 किलोमीटर्स कंप्लीट करा है, और हम लोग हैं कोई मूलबेक टाउन है, कस्बा है, उसके पास है। सो वी आर डूइंग सो फार वेरी गुड, कार इज़ परफॉर्मिंग वेरी नाइसली, लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑमलेट इज़ वेरी गुड, मज़ा आ गया खा के, पूरा फिनिश करने ही वाला हूँ। एक मैगी और ऑर्डर करिए, और ये हमारे रोहित भाई जो हैं ये प्योर वेजिटेरियन है बिल्कुल। सो अब इनको मैंने बोला भैया जाके किचन में देखो तो सही इनकी ब्रेड सिक किसमें रही है, तो ब्रेड उसी फ्राई पैन में सिक रही थी जिसमें अंडा बना था, और इनको बड़ी आपत्ति है इस चीज़ पर खाना में। अरे जी कैसे सर्वाइव करोगे आप, ले लद्दाख कर रहे हैं ना सर, कर रहे हैं, तो यही ऐसी सर्वाइवल टैक्टिक्स इनको सिखाने के लिए मैं लाया हूँ।
और यहाँ से जाने के बाद शायद ये थोड़े और पक्के हो जाएं और सर्वाइवल टैक्टिक्स सीख पाएं। अगली बार मैन वर्सेस वाइल्ड में हम चलेंगे। बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड में जाओ। सो फाइनली आफ्टर द ऑमलेट वी आर हैविंग मैगी, फेमस माउंटेन मैगी। तीनों खा रहे हैं, आके बताते हैं आपको कैसी है। वेरी गुड। सर्दियों में फिर क्या करते हैं यहाँ पे लोग, यहीं रहते हैं या चले जाते हैं? सर्दियों में तो इतना कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बर्फ के थोड़ा बहुत काम करता है, ज्यादा कर नहीं सकते है। और काम क्या होता है यहाँ पे दादा? हाँ जी, किस चीज का काम करते हैं लोग यहाँ पे? आजकल तो खेती का काम काम करता है, अब तो खेती खत्म होगा। अच्छा, अब सर्दियों में होता है या कोई अंदर का क्या काम होगा वही करता है, ज्यादा कर नहीं पाया है ना। अच्छा। कर नहीं सकता है, बर्फ ज्यादा पड़ता है ना, ऐसा होता है जनाब। तो कितना महीना बर्फ रहता है यहाँ पे पड़ता है एक साल में? तीन महीना बर्फ रहता है। हाँ, 3 महीना बर्फ पड़ता है। आजकल थोड़ा कम पड़ता है, पहले जमाने में बहुत पड़ता है, इससे 6-7 फुट पड़ता है पहले तो। अच्छा, अब चार फीट पड़ता है। हाँ। तो यहाँ पे बसेस चलती हैं पब्लिक? लोकल बसें मैंने देखी नहीं चलती हुई। हाँ, नहीं चलती है जनाब। इस पूरे रूट पे मैंने जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक बसें होती है, सरकारी बसें, हाँ, वो नहीं चलती देखी मैंने। ये रोड रोड वाली, रोडवेज वाली? ओ, रोड में तो खुली रहता है ना, थोड़ा सब करते रहते हैं। तो आप लोग कैसे जाना आना करते हैं, जैसे अभी आप किसी टाउन जा रहे हैं? आगे तो ऐसे ही लिफ्ट मांग के जाना पड़ता है, ऐसे चलते रहता है, क्या करेगा वो। हमने भी इसीलिए रोक लिया। करते हैं रास्ते में बहुत लोगों ने लिफ्ट मांगी, आपको देखा हमने, आपका थोड़ा आपका उम्र था ज्यादा, हमने कहा चलो रोक लेते हैं अंकल। आप लोग कहाँ का? जम्मू का है, श्रीनगर का? जयपुर। जयपुर? अच्छा अच्छा अच्छा, जानते हैं आप जयपुर का है? जयपुर राजस्थान में। पाकिस्तान से नज़दीक होगा? नहीं नहीं, पाकिस्तान से तो आप नज़दीक हैं यहाँ पे। करगिल का लड़ाई हुआ था, यहाँ पे भी आया था। और श्रीनगर में अभी हालत ठीक होगा? हाँ, अभी ठीक है। नहीं रुके, दुकानें तो नहीं खुल रही हैं, बंद है सब कुछ। अच्छा, हर जगह में सिपाही होगा ना? हाँ, हर जगह बहुत ज़्यादा सिपाही है। होने से ठीक था, वरना तो उन्होंने पता लगा था ऐसा ऐसा बहुत पड़ता है ना पहले पहले। अभी तो बंद रखा हुआ है ना श्रीनगर को? सुबह खोलते 2-3 घंटे के लिए बस। अच्छा, बाकी टाइम बंद? बंद। वापस जाना है? नहीं, ले में रहेंगे अभी, ले से फिर मनाली जाएंगे। अच्छा अच्छा, मेरा गाँव ये इधर। अच्छा, इधर पर वाला? हाँ।
बड़ा अच्छा यहाँ से पुल पर और कितने घर होंगे गांव में इसमें कितना लोग रहते हैं इसमें फिर तो थोड़ा काम है आगे बहुत है अच्छा और अंदर है आगे भी है अस्सी घर है हाँ कहाँ रोकूँ गाड़ी बस इधर ही रुकना जनाब मेहरबानी Done so far 1505 kilometers from Jaipur and the time is 1:15 p.m. and we are around 35 kilometers away from Leh. एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं तो चाय पीते हैं और अपनी आगे जर्नी पूरी करते हैं पॉइंट पे जिसका नाम है संगम और ये संगम दो नदियों का संगम है जंस्कार करेक्ट कौन सा है रोहित कौन सा जंस्कार एंड सिंधु जंस्कार एंड सिंधु नदी आपस में यहाँ पे मिल रही हैं सो अगर आप श्रीनगर की तरफ से आ रहे हैं तो लेह जहाँ 32 किलोमीटर रह जाता है वहीं से आपको राइट में टर्न लेना होगा यहाँ आने के लिए और आप लेह से आ रहे हैं तो 30 किलोमीटर फ्रॉम लेह यू नीड टू टेक अ लेफ्ट टर्न टू रीच दिस डेस्टिनेशन सो चलिए आपको दिखाता हूँ कैसी लगता है ये संगम एक नदी जो है आपके इधर राइट से मिल रही है एंड दूसरी नदी लेफ्ट से मिल रही है दोनों पानियों का कलर अलग है और आप उनको मर्ज होते हुए देख सकते हैं स्टेयरिंग संभाल रखा है गाड़ी ऑफ है आरपीएम नहीं दिख रहा है आपको देख सकते हैं और ये गाड़ी अपने आप आगे जा रही है वाओ इजंट इट अमेजिंग ये गाड़ी चल रही है और स्पीड गेन कर रही है धीरे धीरे इट्स गेनिंग द मोमेंटम अमेजिंग मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने को देख लीजिए कोई नहीं गाड़ी चला रहा आरपीएम जीरो है इस टाइम बट स्पीड इज देयर चलिए आई होप आपको ये पसंद आया होगा मैंने जो करके दिखाया प्लीज़ अगर आप यहाँ आए और ये सब करें तो बहुत केयरफुल होकर करें क्योंकि कुछ भी हो सकता है एक्सीडेंट भी हो सकता है ये रोड जो है चलता हुआ रोड है काफ़ी ट्रैफिक है इसमें सो टेक फुल प्रिकॉशंस वाइल टेस्टिंग योर कार और टेस्टिंग दिस एरिया So as you can see behind me, this is the signboard of magnetic hill. I have experienced myself, जो कि आपने अभी तक वीडियो में देखा ही होगा अभी और अगर आप खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा बट लेकिन बॉस बनता है ना सही में दिस समथिंग विच इज रेयर एंड यू शुड एक्सपीरियंस योर सेल्फ बाई कमिंग
So it's 3:47. We have reached Leh and we are staying in this hotel, Hotel Yagpil. This is not a new hotel for bikers and all. So we have planned to stay here only. Leh mein electricity cut hai. I think 2-3 ghante aur nahi aayegi. So tab tak hum apna video download kar rahe hain laptop ke andar aur saath mein enjoy kar rahe hain yahan ka kahwa. जो कि कश्मीर से थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ ये लोग बादाम पीस के डालते हैं. डालना वहाँ पे भी चाहिए क्योंकि कावा के अंदर डलता है बादाम, बट यहाँ इन्होंने डाला लेकिन कश्मीर में लोग नहीं डालते. सो अब उसके बाद थोड़ी देर बाद घूमने निकलते हैं और बताते हैं हमने आज क्या क्या एक्सप्लोर करा लेह में. इट्स दी हाई ऑल्टीट्यूड इफेक्ट, सांस लेने में दिक्कत हो रही है. और ले पैलेस जा रहे हैं बट लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है. इट्स बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड ओनली आई बिलीव.